So hello and welcome back. I am Dr. Rahil Chaudhary, eye doctor, cataract and refractive surgeon. And aaj main hu ASCRS 2025, American Society of Cataract and Refractive Surgeons ki global conference mein, jo ho rahi hai Los Angeles, California mein. And dry eyes ke treatments ke baare mein maine aapko already bahut sari videos share kari hui hain. Aaj ki date mein bahut advanced ड्राई आई ट्रीटमेंट्स हमारे पास अवेलेबल है, जैसे IPL थेरेपी, लिपी फ्लो थेरेपी, MBT थेरेपीज, साथ ही साथ हाई क्वालिटी मेडिसन जैसे साइक्लोस्पोरेंस, रीस्टासिस, सीक्वा, हाई क्वालिटी लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स, स्टीरोइड्स, सीवियर ड्राई आइज के लिए स्क्लेरल कॉन्टैक्ट लेंसेज, एमनियोटिक मेम्ब्रेन्स, पंक्टल प्लग्स. तो ये ट्रीटमेंट्स ड्राई आइज के लिए ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं. एंड अब 2025 में ASCRS की कॉन्फ्रेंस में तीन नई चीज़ें यहाँ पर लॉन्च करी गई हैं. तो पहले तो दो नई दवाइयाँ, नीबो एंड ज़ीड्रा, दो नई दवाइयाँ लॉन्च करी गई हैं ड्राई आई के ट्रीटमेंट्स के लिए. एंड साथ ही साथ एक नए टाइप के, एक नए डिज़ाइन के मॉइस्चर चेम्बर ग्लासेस मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ, वो भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस करे हैं. तो अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ मॉइस्चर चेम्बर ग्लासेस जो नए डिज़ाइंस और वेरियंट्स में यहाँ पर अवेलेबल हैं. तो देखिए अब क्या होता है, ये थोड़ा सा मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट भी करके दिखाता हूँ. ये मॉइस्चर चेम्बर ग्लास इस तरह का एक चश्मा होता है, इसको बस हम आँख में पहन लेते हैं और आँख के अराउंड ये एक ह्यूमिडिटी को बढ़ा के एक स्पेशल इन्वायरमेंट बना देता है जिससे पेशेंट को ड्राई आइज जो है वो महसूस नहीं होती. तो यहाँ पे इस चश्मे के साथ एक मीटर भी लगाया हुआ है. यूजुअली ये मीटर नहीं होता, सिर्फ चश्मा होता है जिसको आपको पहनना होता है. और इस चश्मे में साइड में एक जगह होती है जहाँ पर हल्का सा हम पानी डालते हैं जिसकी वजह से वो एक ह्यूमिडिटी का इन्वायरमेंट बनाता है. ये कुछ इस तरह की बात है जैसे आप शावर ले रहे होते हैं, तो नहाते हुए आपको आंखों में ड्राइनेस नहीं लगती, लेकिन जब आप शावर से बाहर आ जाते हैं वो स्टीम का जो एक इन्वायरमेंट होता है वो ख़त्म हो जाता है, तो फिर से आंखों में ड्राइनेस की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है. तो इन मॉइस्चर चेम्बर ग्लासेस से आई के अराउंड एक इन्वायरमेंट बनता है ह्यूमिडिटी का, जिससे पेशेंट के ड्राई आई के जो सिम्टम्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो जाते हैं. तो मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूँ. सो अभी आप देख सकते हैं दिस इज 74 विच इज़ द एम्बियंट टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी इज़ अबाउट 42. ओके, नाउ आई वेयर दीज ग्लासेस एंड नाउ स्लोली आप देखेंगे कि टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी बढ़ रहा है. देखा आपने, थोड़ा सा ऑलरेडी बढ़ गया. अब मैं पहन के रखूँगा तो ये बढ़ता जाएगा. तो अभी थोड़ी देर हम इसको और वेट करते हैं, आप देखना ये और बढ़ जाएगा. तो जैसे जैसे ह्यूमिडिटी, अंदर का इन्वायरमेंट ज़्यादा ह्यूमिड होगा वैसे वैसे ड्राई आई के सिम्टम्स जो हैं वो कंट्रोल हो जाएंगे. तो आप देख रहे हैं ये और बढ़ गया. अब मैं थोड़ी देर के लिए और पहन के रखूँगा, ये और ज़्यादा बढ़ जाएगा. आप देखा आपने 47 हो गया, और पहन के रखूँगा ये और ज़्यादा बढ़ जाएगा. जैसे जैसे आँख के अंदर का मॉइस्चर या ह्यूमिडिटी बढ़ा तो ड्राई आई के जो सिम्टम्स हैं उनमें काफ़ी हद तक कंट्रोल आ गया. देखिए अब आप और बढ़ गया ये. सो ड्राई आई के ट्रीटमेंट्स में एक और इंट्रोडक्शन है विच इज़ द ब्लिंक कैप्सूल्स. तो स्पेशल तरह के आई सप्लीमेंट्स हैं जो ड्राई आईज़ में पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा रिलीफ देते हैं. तो ये सारी जो ट्रीटमेंट्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुई है इनको बहुत जल्दी अपने हॉस्पिटल में भी लाने वाला हूँ और अपने इंडियन पेशेंट्स को इन सबका एडवांटेज देने वाला हूँ.